और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की, मस्जिद का जजमेंट डे है और संजौली की विवादित मस्जिद को लेकर जजमेंट डे पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज इस पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी अब से कुछ ही देर बाद, और मैं आपको मिनटों में बताऊं तो तकरीबन 40 मिनट बाद यानी कि सुबह 11 बजे कोर्ट में बहस शुरू होगी। मस्जिद की तरफ से वक्फ बोर्ड कोर्ट में पार्टी बनाया गया है। 2010 से नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में ये केस लगातार चल रहा है। सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण चलता रहा। मामले में अब तक 44 बार पेशियां हो चुकी हैं, यूं कहिए कि 44 सुनवाइयां हो चुकी हैं। इस साल भी दूसरी बार सुनवाई होने जा रही है, लेकिन जो सरकार कह रही है कि ये नगर निगम के जो आयुक्त हैं वो ये तय करेंगे, जो कमिश्नर है वो ये तय करेंगे कि इस मस्जिद का क्या होना है, तो सरकार का रुख अगर नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट पर है तो यहां पर ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या मस्जिद को गिराने की बात सामने आती है या कोई और फैसला, इस पर सभी के निकाह है। टिकी संजौली की विवादित मस्जिद को लेकर आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होनी है और ये सुनवाई बेहद अहम है क्योंकि सभी की निगाहें आज की इस सुनवाई पर लगी हुई हैं। लोगों को उम्मीद है, खासकर जो हिंदू संगठन है, कि जो अवैध निर्माण की बात हो रही है, जो आरोप हैं वो सही पाए जाएंगे और उस बारे में कोई फैसला आएगा। इस वक्त हम उसी संजौली मस्जिद के बाहर खड़े हैं जिसकी जो 4 मंजिलें हैं वो अवैध बताई जा रही है और यहां से आप देख सकते हैं बहुत नजदीक है हम, बिल्कुल साथ में खड़े हुए मस्जिद के। नीचे जो आप देख रहे हैं हरे रंग का पेंट, ये पहली मंजिल है, ये यहाँ पर बहुत पहले से है ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन जो उसके ऊपर 4 मंजिलें बनाई गई हैं, जो वहां जहां आप देख सकते हैं कि अभी खिड़की दरवाजे भी नहीं लगे हैं, प्लास्टर भी नहीं है, कोई पेंट भी नहीं है, इन्हीं मंजिलों को लेकर दरअसल पूरा का पूरा विवाद है, अवैध इनको बताया जा रहा है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज की सुनवाई का। फिलहाल माहौल यहां पर शांत है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है, किसी भी प्रकार के धरने प्रदर्शन पर फिलहाल यहां रोक है, किसी को यहां नजदीक आने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि अगर फैसला नहीं आता, क्योंकि कुछ हिंदू संगठनों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और वो अल्टीमेटम आज दोपहर को समाप्त हो रहा है, अगर फैसला पक्ष में नहीं आया तो फिर यहां बवाल फिर से हो सकता है, जैसा हमने यहां 2 दिन पहले देखा था जब बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको संजौली की विवादित मस्जिद की, जहां पूरा का पूरा एक बवाल है, जो विवाद है वो चल रहा है, लोग खासे नाराज हैं, खासकर स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि इस मस्जिद की वजह से जो बाहरी लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और उनका जो बर्ताव है, जो व्यवहार है, वो न केवल अभद्र है बल्कि वो असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। तो फिलहाल माहौल शांत है और क्या होगा, बवाल होगा, विरोध होगा या इस अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा, ये सब निर्भर करेगा आज नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उस मामले में। लेकिन इससे पहले भी 44 सुनवाई हो चुकी हैं, अभी तक कोई उस नतीजा निकला नहीं है, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज वाकई में कोई फैसला आएगा या नहीं। संजौली से वीडियोलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार से जब सवाल पूछा गया कि लोगों के विरोध पर आप क्या करेंगे, ये मस्जिद तो अवैध है, तो सरकार कहती है कि जो नगर निगम के कोर्ट कमिश्नर का फैसला होगा उसके बाद सब कुछ तय किया जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो आज की सुनवाई बहुत अहम, और क्या जजमेंट डे होने जा रहा है। शिमला से हमारे साथ हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा जुड़ गए हैं और उस विवादित मस्जिद पर ही वो मौजूद है, यानी कि ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है। विद्या, क्या जजमेंट डे है, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आज जो कोर्ट कमिश्नर होंगे वो क्या कहते हैं, और वो हिंदू संगठन तो वो अल्टीमेटम दे चुके हैं जो आज खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से दिन में, उसके बाद क्या होता हुआ देख रहे हैं आप इस मामले में? जी बिल्कुल, इंतजार इसी बात का है कि आज कमिश्नर की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। 2010 से ये मामला चल रहा है और 2010 में जब ये मामला शुरू हुआ था तब यहां सिर्फ एक मंजिल बनी थी, लेकिन 3 और मंजिल जिस तरीके से बनाई गई है वो एक बार तस्वीरों के जरिए मैं आपको जरा दिखा देता हूं। देखिए, ये वो मस्जिद है और आप देखेंगे कि ऊपर के जो 3 फ्लोर हैं, जहां पर आप देख रहे हैं न दरवाजा है न खिड़की है, अभी सिर्फ दीवार खड़ी है और उसके ऊपर छत है, इसी निर्माण को लेकर विवाद है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देखिए, ये राजनीतिक तौर पर भले ही बयानबाजियां हो रही हों, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयानबाजी हो रही हो, लेकिन यहां के लोग बताते हैं कि राजनीतिक नहीं, सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि यहां पर जो बर्ताव किया जा रहा है बाहर से आए
हुए लोगों के द्वारा और यहाँ की महिलाओं, यहाँ के सोसाइटीज को जो दिक्कत हो रही है वो सबसे बड़ी समस्या का विषय है यहाँ पर, और इसीलिए लोग चाहते हैं कि इस तरह के निर्माण ना हो। इस तरह की मस्जिद से दिक्कत नहीं है किसी को, लोगों को दिक्कत है अवैध तरीके से कब्जा की गई जमीन को लेकर, अवैध तरीके से जो निर्माण किया जा रहा है और जिस तरीके से इस तरह के मस्जिदों को बनाने के बाद जनसंख्या बढ़ रही है और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन तक नहीं हो रहा है और यहाँ आकर वो अपने मन मुताबिक यहाँ के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हाल ही में जो घटना घटी थी उसके बाद इस मामले ने जोर पकड़ा था। दरअसल यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी, उनका सर फोड़ दिया गया था, उसके बाद खास समुदाय के लोगों के द्वारा, उसके बाद यहाँ के लोगों के द्वारा गुस्सा फूटा और लोगों का गुस्सा उसके बाद यहाँ तक इस मस्जिद के निर्माण को लेकर भी लोगों का गुस्सा फूटा। और देखते ही देखते हमने देखा था कि हजारों की संख्या में, वैसे तो देखिए शिमला या हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यह शांत माना जाता है काफी, लेकिन दिखाई दिया कि हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने इस मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो आज इंतजार किया जा रहा है, 10:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब इसकी सुनवाई शुरू होगी। हालांकि इसके जो मौलवी हैं, इस मस्जिद के जो मौलवी हैं, वो ये कहते हैं कि 2015 के बाद यहां पर कोई निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अगर हम तस्वीरों में देखें तो ऐसा लगता नहीं है। हम देख रहे हैं जो अभी 3 फ्लोर ऊपर के हम आपको दिखा रहे हैं, यहां देखकर साफ तौर पर पता चलता है कि यह हाल फिलहाल में किया गया निर्माण है। और खास बात यह है कि 2010 में जब यह मामला सुनवाई के लिए चला गया था उसके बाद यहां पर किसी तरह के निर्माण पर रोक लग गया था, तो 2015 तक भी बिल्कुल निर्माण कैसे किया गया। और यही जब 2010 से सुनवाई हो रही है, 44 बार सुनवाई हो चुकी है, उस दरमियान भी ये कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा जिसकी तस्वीरें इस वक्त विद्या दिखा रहे हैं। विद्या, आप नजर बनाए रखिए क्या होने वाला है इस जजमेंट डे पर, इस पर नजर बनी हुई है क्योंकि आम लोगों की मांग है अगर अवैध है तो उसे हटाया जाए, और इस पर क्या आज फैसला होता है निगम के कोर्ट का, ये देखने वाली बात है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। रुक रहे हैं, जजमेंट डे है और संजौली की विवादित मस्जिद को लेकर जजमेंट डे पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज इस पर कोर्ट में सुनवाई होनी है, नगर निगम आयुक्त कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी अब से कुछ ही देर बाद, और मैं आपको मिनटों में बताऊं तो तकरीबन 40 मिनट बाद यानी कि सुबह 11 बजे कोर्ट में बहस शुरू होगी। मस्जिद की तरफ से वक्फ बोर्ड कोर्ट में पार्टी बनाया गया है, 2010 से नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में ये केस लगातार चल रहा है। सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण चलता रहा, मामले में अब तक 44 बार पेशियां हो चुकी हैं, यूं कहिए कि 44 सुनवाइयां हो चुकी हैं। इस साल भी दूसरी बार सुनवाई होने जा रही है, लेकिन जो सरकार कह रही है कि ये नगर निगम के जो आयुक्त हैं वो ये तय करेंगे, जो कमिश्नर हैं वो ये तय करेंगे कि इस मस्जिद का क्या होना है, तो सरकार का रुख अगर नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट पर है तो यहाँ पर ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या मस्जिद को गिराने की बात सामने आती है या कोई और फैसला, इस पर सभी की निगाहें टिकी है।